हाय एवरीवन, मैं हूं आंचल पाठक एंड वेलकम टू 5 पैसा। इस एपिसोड में हम बात करेंगे नॉन रेजिडेंट इंडियंस यानी NRIs के बारे में। NRIs और PIOs यानी पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन, खासकर जिनकी इनकम इंडिया और अब्रॉड दोनों जगह है, उनको अपने फाइनेंसेस मैनेज और ट्रैक करने में काफी डिफिकल्टी होती है। आप अमेरिका में रहते हैं तो इंडिया में हुई इनकम को अमेरिका ले जाना या अमेरिका में हुई इनकम को इंडिया लाना है, फॉरेन एक्सचेंज और टैक्स रूल्स के कारण ये आसान नहीं होता। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट या फीमा एक NRI को हम लोगों जैसा सेविंग अकाउंट्स रखने की परमिशन नहीं देता। अगर NRI बनने से पहले आपके पास कोई सेविंग्स अकाउंट है तो NRI होते ही उसे बंद करना पड़ता है। इसीलिए NRIs नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट या NRE अकाउंट और नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी या NRO अकाउंट ओपन करते हैं। इन दोनों अकाउंट्स की मदद से NRI विदेश में इनकम को आसानी से इंडिया ला सकते हैं और इंडिया में हुई इनकम को इंडिया में रख सकते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे NRE अकाउंट के बारे में, हम NRO अकाउंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे और एंड में बात करेंगे इन दोनों के बीच के डिफरेंस की। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। तो गाइस, पहले बात करते हैं NRE अकाउंट के बारे में। ये अकाउंट इंडियन करेंसी में होता है। जब कोई NRI इंटरनेशनल करेंसी में फंड्स डिपॉजिट करता है तो उतनी इंटरनेशनल करेंसी के बराबर रुपीस उसके अकाउंट में जमा हो जाते हैं। NRE अकाउंट सेविंग्स, रेकरिंग, करंट या फिर FD के रूप में हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए कि NRI इंडिया के बाहर हुई इनकम ही इसमें जमा कर सकते हैं। इस अकाउंट से NRI इंटरनेशनल अकाउंट में भी बिना किसी रोक टोक के ट्रांसफर कर सकते हैं। इंटरनेशनल डेबिट कार्ड से वो इस अकाउंट से पैसा भी निकाल सकते हैं और ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। विड्रॉल्स सिर्फ NRI की रेजिडेंट कंट्री की करेंसी में ही होता है, इसीलिए NRE अकाउंट पर एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन का सीधा असर पड़ता है। इंटरनेट बैंकिंग के जरिए दुनिया के किसी भी कोने से NRE अकाउंट को ऑपरेट किया जा सकता है। यही नहीं, NRE अकाउंट से NRIs इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स के लिए ऑटो डेबिट मैंडेट भी दे सकते हैं। NRE अकाउंट जॉइंट भी हो सकता है, लेकिन जॉइंट होल्डर का NRI होना जरूरी है। एक NRE अकाउंट से दूसरे NRE और NRO अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो सकता है। NRIs इस अकाउंट से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पूरी तरह रिपेट्रिएट कर सकते हैं, और तो और इस अकाउंट से हुई पूरी इनकम टैक्स फ्री होती है। ज्यादातर NRE अकाउंट का इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस और पर्सनल बैंकिंग के लिए किया जाता है। दूसरी तरफ NRO अकाउंट उन NRIs के लिए है जिन्हें इंडिया छोड़ने के बाद भी इंडिया से इनकम मिल रही है। इनकम प्रॉपर्टी का किराया हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, शेयर्स जैसे इन्वेस्टमेंट टूल से डिविडेंड जैसी इनकम भी हो सकती है। NRO अकाउंट्स NRIs इंडिया में हो रही इनकम के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस अकाउंट में इंटरनेशनल करेंसी भी जमा कर सकते हैं, पर विड्रॉल सिर्फ रुपीज में होता है। ये अकाउंट भी करंट, सेविंग, रेकरिंग या FD के रूप में हो सकता है। NRI जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं, जॉइंट होल्डर NRI भी हो सकते हैं और रेजिडेंट इंडियन भी हो सकते हैं। NRO अकाउंट्स में पैसा बाहर भेजने की एक लिमिट होती है। हर फाइनेंशियल ईयर में $10,00,000 से ज्यादा प्रिंसिपल रिपेट्रिएट नहीं हो सकते, हालांकि इंटरेस्ट के लिए ऐसी कोई लिमिट नहीं है। NRO अकाउंट में इंटरेस्ट टैक्सेबल है, हालांकि अगर NRI किसी ऐसे देश में रहते हैं जिसके साथ इंडिया का डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट है तो NRIs इस टैक्स को बाहर कम कर सकते हैं। क्योंकि NRO एक रुपी अकाउंट है, इसीलिए यहां एक्सचेंज रेट में बदलाव का असर नहीं पड़ता। NRO अकाउंट से भी आप पैसा बाहर भेज सकते हैं और किसी दूसरे NRO अकाउंट में भी भेज सकते हैं। NRO अकाउंट से NRE अकाउंट में पैसा नहीं भेजा जा सकता। अब ये देखते हैं कि NRE और NRO अकाउंट में क्या सिमिलैरिटीज हैं। दोनों ही अकाउंट NRI खोल सकते हैं, दोनों में मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपीज से ज्यादा नहीं है। आजकल दोनों में ही विड्रॉल रुपीज में किया जा सकता है। NRE और NRO अकाउंट दोनों के ही जरिए NRIs इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इंडिया के बाहर पैसा भेज सकते हैं। NRE और NRO अकाउंट्स दोनों में ही NRI रुपीज में लोन ले सकते हैं। अब नजर डालते हैं NRE और NRO अकाउंट्स के डिफरेंसेस पर। NRE अकाउंट में सिर्फ इंडिया के बाहर हुई इनकम को जमा किया जा सकता है, जबकि NRO अकाउंट में NRI इंडिया में हुई इनकम डिपॉजिट कर सकते हैं। NRE अकाउंट में फॉरेन करेंसी में पैसा जमा किया जा सकता है, जबकि NRO अकाउंट में इंडियन और फॉरेन करेंसी दोनों में पैसा जमा कर सकते हैं। NRE अकाउंट से
प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को रिपेट्रिएट करने की कोई सीमा नहीं है, जबकि एनआरओ अकाउंट से एक लिमिट से ज्यादा प्रिंसिपल रिपेट्रिएट नहीं किया जा सकता। एनआरई अकाउंट पूरी तरह टैक्स फ्री है, जबकि एनआरओ अकाउंट से आई इंटरेस्ट पर टैक्स लगता है। एनआरई ज्वाइंट अकाउंट सिर्फ दूसरे एनआरआई के साथ ही खोला जा सकता है, जबकि एनआरओ ज्वाइंट अकाउंट एनआरआई और रेजिडेंट इंडियन दोनों के साथ खोला जा सकता है। एनआरई अकाउंट से पैसा दूसरे एनआरई और एनआरओ अकाउंट दोनों में ट्रांसफर किया जा सकता है, जबकि एनआरओ अकाउंट से पैसा सिर्फ दूसरे एनआरओ अकाउंट में ही ट्रांसफर हो सकता है। एनआरई अकाउंट में एक्सचेंज रेट में बदलाव का असर पड़ता है, जबकि एनआरओ अकाउंट एक्सचेंज रेट न्यूट्रल है। अगर आप एक एनआरआई हैं और हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो हम बताना चाहेंगे कि आप अपनी जरूरत के अनुसार एनआरई या एनआरओ में से अकाउंट चूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके माता पिता इंडिया में हैं और आप उनको फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते हैं, तो एनआरओ अकाउंट ज्यादा ठीक रहेगा। अगर आप इंडिया में सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो एनआरई अकाउंट सूट करेगा। तो गाइज, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड।